नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सिवनी द्वारा सिवनी में आ रहे लगातार भूकंपों की पुनः वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग से सूक्ष्मता से जांच कराए जाने एवं सिवनी से सिस्मोमीटर, मीटर सिस्मोग्राफ लगाए जाने एवं संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित कर पुराने व जर्जर भवनों को तत्काल चिन्हित कराए जाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग एवं पूरी टीम के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर महोदय सिवनी को, सिवनी में जो लगातार भूकंप की घटनाएं हो रही हैं, आज भी कम से कम 4 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसके पूर्व भी लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया था इन भूकंप के झटकों के विषय में। उन्होंने भूगर्भीय विभाग को लिखा, वहाँ से एक टीम आई और उन्होंने यहाँ पे जांच करने के उपरांत काफ़ी लंबे समय पश्चात उन्होंने एक जानकारी दी कि यह पानी के कारण भूकंप के झटके आ रहे हैं और ये भूकंप का एक झुंड है। तो मेरा ये कहना है इसमें कि ये सिवनी में पहली बार तो पानी नहीं गिर रहा, यह बारिश पहली बार नहीं हो रही है, इसके पूर्व भी हज़ारों वर्षों से वर्षा हो रही है, लेकिन हमने ना अपने जीवन में देखा ना हमारे आजा पुरखा ने देखे कि सिवनी में बारिश के कारण से इस तरीके के भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये बारिश से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कोई ना कोई अन्य और कोई कारण है जिसके कारण सिवनी में भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं। हमने शासन से, प्रशासन से यही मांग की है कि सिवनी में तत्काल सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ लगाया जाए जिससे जो भूकंप का जो संवेदनशील क्षेत्र है उस पर लगातार नज़र रखी जाए और संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया जाए, ताकि जो उस संवेदनशील क्षेत्र में, जो चिन्हित क्षेत्र में और जो पुराने मकान हैं, जर्जर मकान हैं, क्योंकि सिवनी शहर जो है बहुत पुराना शहर है, अधिकांश भवन मकान पुराने हैं और जर्जर स्थिति में है, इसीलिए हमारी मांग है कि क्षेत्र को चिन्हित किया जाए जो संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ पे जो मकान है जर्जर मकान उनकी सूची बनाई जाए और सूची बनाने के पश्चात ये कि यदि कोई मकान बहुत ही जर्जर है तो उन मकानों को खाली कराया जाए और उसमें रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाए। सिस्मोमीटर लगाने से जो लगातार भूकंप आ रहे हैं उनकी गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है, इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि तत्काल सिवनी में सिस्मोमीटर लगाया जाए और भूगर्भ वैज्ञानिकों से सूक्ष्मता से पुनः जांच की जाए। और मेरा एक निवेदन और था, सिवनी के जो सत्तासीन दल, सत्ताधारी दल के जो नेतागण हैं उनसे मेरा निवेदन था, यदि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने से समय मिल जाए, उनका पुतला दहन करने से समय मिल जाए और दलितों के नाम पर मान अपमान वाली ओछी राजनीति से अगर समय मिल जाए तो सिवनी की जनता के और भी विषय हैं, सिवनी में और भी ज्वलंत समस्याएं हैं, सिवनी में इस जो घटना जो घट रही है आज, जो पूरा शहर दहशत में, इसको लेके भी यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ताधारी दल के लोग यदि प्रयास करें तो शायद कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस विषय में कलेक्टर साहब से निवेदन करें और जांच करवाएं और जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद, उनसे भी जांच करवाएं। जय हिंद।